अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं आपका रोहल जैब। तो आज हमारा टॉपिक है पल्सर का फिफ्थ गियर, जो साउंड हमारी बाइक में आता है, बट किस रीजन की वजह से साउंड आता है, उसमें कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। तो हमारी बाइक में फिफ्थ गियर में बहुत ज्यादा साउंड आती है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारी बाइक में फिफ्थ गियर में साउंड आना शुरू होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिफ्थ गियर क्या होता है और कैसे कट जाता है, किस जगह से हमें पता चलता है हमारी बाइक का गियर खराब हो चुका है। तो वह बट वो जो होता है, हम इंजन ओपन करने के बाद ही हमें गियर पता चलता है हमारी बाइक का गियर कट चुका है, लेकिन जब हम बाइक चलाते हैं उसमें बहुत ज्यादा साउंड भी आता है। चलिए मैं आपको गियर दिखाता हूँ, तो फिफ्थ गियर कहाँ से खराब हो जाता है। क्या बोला तूने? अच्छा ठीक है। तो ये जो हमारी गाड़ी के काउंटर शाफ्ट है, तो इसमें काउंटर शाफ्ट में इसमें ये सेकंड गियर है, थर्ड गियर, फिफ्थ गियर, फोर्थ गियर। तो हमारी बाइक में ये पूरी सी काउंटर शाफ्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें फिफ्थ गियर कौन सा होता है। तो चले, तो ये जो हमारी बाइक का पल्सर का गियर है, तो हमारी पल्सर 150 180 में तो बट गियर अलग अलग होता है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम होता है। तो ये जो हमारी बाइक का ही फिफ्थ गियर है जो मैं आपको बताया, बट जो उसमें साउंड आता है, तो हमारी बाइक का ही फिफ्थ गियर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये। तो ये यहाँ से कट चुका है। तो गाइस देखिए कितना ज़्यादा इसमें निशान आ चुके हैं, आपको दिख रहा होंगे। तो ये जो देखा है, हल्के निशान आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल क्लीन होता है, बट इसमें क्या हुआ, ये पूरा यहाँ से कट चुका है। तो इसी कटने की वजह से बहुत ज़्यादा गियर में साउंड आ रहा है। तो देखिए जैसे आप देख रहे हैं, तो ये इसका फिफ्थ गियर है। तो बट हमें एक चीज़ का लाजिम ध्यान रखना चाहिए, तो जब कोई भी गियर चेंज करें या फिफ्थ गियर चेंज करें, तो या थर्ड गियर है, फोर्थ गियर, कोई भी चेंज करें, तो बट हमें इस चीज़ का लाजिम ध्यान रखना चाहिए। अगर हम फिफ्थ गियर से या अलग गियर चेंज करेंगे, बट हमें इसका साथ का अपोजिट लाजिम डालना चाहिए। ओके गाइस, देखिए अगर हम अपोजिट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वाला गियर भी बहुत जल्दी कट जाएगा, फिर दोबारा से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो कुछ इसकी बाइक में हमारे साथ इसमें यूं हुआ, तो बट हमने अलग गियर डाल दिया था, हमने इसका ये अला 26-30 वाला गियर नहीं चेंज करा, तो इसकी वजह से इस बाइक का गियर ये अला भी ख़राब हो गया। तो ओके गाइस, बट हमें ऐसी गलती नहीं करना, अगर हमारी बाइक का गियर में साउंड आ रहा है, हम गाड़ी का गियर का साउंड बंद करा रहे हैं, बट हमें एक गियर नहीं डलवाना है, अगर उसका ये वाला गियर ख़राब है, तो हमें अपोजिट लाजिम डलवाना चाहिए। तो ओके गाइस, उससे क्या होगा, हमारे गियर की लाइफ ज़्यादा रहेगी। अगर हम एक डाल देंगे, अगर हमारे गियर पर निशान रहेगा, तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो ये वाला जो हमारा गियर है, ये सेकंड गियर है, और ये फिफ्थ गियर है, ये हमारा थर्ड वाला गियर है। ये हमारा सेकंड का अपोजिट है, ये फिफ्थ का अपोजिट है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है। ओके गाइस, ये फोर्थ का है, ये हमारा फर्स्ट गियर है। तो ये फर्स्ट गियर जो अच्छी कलर शाफ्ट में होती है, तो ये इसका फर्स्ट गियर है। ये तुम्हारे पल्सर 150 का गियर बॉक्स है। तुम्हारा पल्सर 150 का जो 180 का, तो गियर बॉक्स सेम ही, लेकिन गियरों में थोड़ी चेंजिंग होती है, किसी का बड़ा होता है, किसी का गियर छोटा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होती है। बट अगर हमारी बाइक में गियर में साउंड आ रहा है, तो हम इसको जब कभी इंजन ओपन करते हैं, हमें ये चीज़ लाजिम ध्यान रखना चाहिए। ओके गाइस, तो बट हमें ऐसी गलती नहीं करना है, तो फिर हमें दोबारा से इंजन पूरा ओपन करना पड़ सकता है। क्रैंक कैसे है, तो मैं इसका पूरा पैकिंग वैकिंग वगैरह सब क्लीन करूँगा, तो फिर इसका जो फिफ्थ गियर पूरा ख़राब हो चुका, तो गियर पूरा चेंज करके और अच्छे से पूरा इसका इंजन वॉश करेंगे, वॉश करने फिर इसका इंजन फिट करेंगे। तो ये इसका गियर गुल्ला है, तो ये तो गियर गुल्ला तो बहुत कम ख़राब होता है, ये तो ना के बराबर ही ख़राब होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है। तो बट ये ख़राब कहाँ से होता है, मैं आपको ये बताया, तो ये यहाँ से ख़राब हो जाता है, हमारी बाइक के ज़्यादा गियर सेलेक्टर ख़राब हो जाते हैं, तो यहाँ से इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ओके गाइस, जो हमारी पल्सर आती है, बट जो पहले पल्सर आती थी, जो पल्सर के गियर सेलेक्टर हैं, पहले गोली आती थी, बट अब गोली नहीं आती। जो गियर सेलेक्टर क्या होता है, बिल्कुल एसी होता है, सिंपल सा। पहले क्या होता है, जो हमारी पल्सर आती थी, उसमें गियर सेलेक्टर में गोली आती थी, तो गोली इधर मूविंग करती है, किसने होते हमारी गाड़ी के जो गियर थे बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बट अब वो पल्सर ने बिल्कुल चेंज कर। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। जैसे यहाँ से गियर सिलेक्टर कट चुका है, तो ओके गाइस, जैसे आप देख रहे होंगे, ये इस पर निशान पूरा आ चुका है, यह पूरा यहाँ से कट गया जल के। तो ये वाले इसके गियर सिलेक्टर सही होंगे, ये हमारे जो है काउंटर शाफ्ट के होंगे गियर सिलेक्टर। ये दोनों गियर सिलेक्टर दोनों सेम ही होते हैं, और ये वाला जो होता है कलर शाफ्ट का, ये गियर सिलेक्टर छोटा होता है, ये वाला गियर सिलेक्टर बड़ा होता है। AC220 में भी सेम होता है, 180 में भी सेम होता है, ये दोनों गियर सिलेक्टर सेम होते हैं, बट ये वाला गियर सिलेक्टर अलग होता है। तो कभी भी हम इंजन फिट करा, तो हमें इस चीज़ का भी लाजिम ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारी बाइक का गियर सिलेक्टर ख़राब हो चुका, तो हम उस चीज़ को चेंज करना चाहिए। ओके गाइस, तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कभी हम हमारी गाड़ी का बिल्कुल एकदम फ्रेश गियर है, तो फ्रेश गियर में भी हमारा फॉल्ट किधर आता है, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर हमारी बाइक में बिल्कुल एकदम फ्रेश गियर है, तो हमें ये चीज़, और वो जो लाल वाला बटन है, उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।